ऑर्डिनरी बी कॉम करते तो ये बात मैं ना करता सेट ऑफ का मीनिंग सिंपल है आईपैड मेरे सामने है मुझे मेरी कोचिंग क्लास जो फीस है जो मेरा ब्रेड एंड बटर है उस पर अठारह टका जी गवर्नमेंट को भरना पड़ता है डेफिनेटली मैं मेरी जेब से भरता नहीं मैं स्टूडेंट से लेता हूं, वही गवर्नमेंट में भरता हूं तो अगर मेरा जीएसटी पेमेंट आराम से चार लाख का है तीन महीने में एक बार मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है एक का तो मुझे वो पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं आप कहोगे से ये हमें क्यों बता रहे हो सेट ऑफ समझना है ना तो ये समझना पड़ेगा ये एक लाख इक्कीस हजार का इंक्लूडिंग पेंसिल या आईपैड है अभी भी नहीं समझा होगा मैं क्यों बता रहा हूँ और उसमें मैंने बीस हजार रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी दिया था जब मैंने आईपैड इंक्लूडिंग पेंसिल लिया था तो अभी मुझे चार लाख भरने हैं मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी डिपार्टमेंट को चार लाख दूंगा नहीं तो कितने दूंगा तीन लाख अस्सी हजार कारण मैंने बीस हजार का सेट ऑप लिया है एकदम क्लियर वर्ड में बताता हूँ डीए के काम यही होता है सिंपल है टैक्स टू बी पेड हाउ मच फोर लैक टैक्स ऑलरेडी पेड वेन आई परचेज हाउ मच तो अभी मुझे गवर्नमेंट को तीन लाख अस्सी हजार ही देने हैं तो थोड़ा बेस अच्छा तैयार हुआ फाउंडेशन एग्जाम में इतने स्टूडेंट फेल क्यों हुए हैं या होते हैं इसका सीक्रेट क्या बात है आपके सामने है जिससे पहले सात दिन यहां हालात क्या थे <laughs> और आज हालात क्या है मैं खुद जब कार लेके आता हूं तो मेरे सामने लड़के और लड़की हमें देखता हूं जा रहे हैं अरे भाई आपके लिए तो बैच ले रहे हैं और क्या फी रखी है ग्यारह रुपये मतलब यहाँ हमारा पैसे कमाना ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कौन चैलेंज करेगा हिम्मत है तो करो सिंपल एक ऑब्जेक्टिव से मैंने मेरे कलीग्स को हाँ कहा तो एग्जैक्टली नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको बाय बाय करने वाला हूँ आज के बाद छह लेक्चर्स बैलेंस होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग 2100 स्टूडेंट दिख रहे हैं जोक इन एजुकेशनल फील्ड और अभी काका को मैं बोलूंगा काका अटेंडेंस देखो तो हार्डली सिक्सटी सेवेंटी विल बी देयर वोट बिग ट्रेजेडी ना हमारे जमाने में वेन आई वॉज अ स्टूडेंट इतने सिंसियर टीचर कभी मिले भी नहीं थे पांच बजे का लेक्चर पांच बजे शुरू और छः बजे स्टॉप कभी कोई छुट्टी नहीं हाँ मेरे कारण छुट्टी नहीं तो और क्या चाहिए भाई लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ लॉब डीएमयू लगने लगा है करनी ऑलमोस्ट फ्री में देने के बाद हम ही बन गए वैल्यूलेस क्या हो गए हम डेफिनेटली आज आपको मैंगोज अच्छी क्वालिटी के बारह सौ रुपये डजन में लेने पड़ते अच्छी क्वालिटी के अभी तक मेन सीजन शुरू नहीं हुआ तो लगभग हंड्रेड रुपीज़ पर मैंगो तो कितना केयरफुली खाते हो वेस्ट वगैरह नहीं जाने देते कारण सौ रुपये का एक मैंगो है यहाँ वो चीज़ आपको फ्री मिली तो उसकी वैल्यू ही नहीं है मैं आज आते आते जब इन लड़कों को लड़कियों को जाते हुए देखा हर दिन देख रहा हूँ खाली आज मेरे पेशेंस खत्म हो गए और आज मैंने पहली बार कहा है और मेरे चेहरे पे देखोगे तो कोई गुस्सा नहीं है इट्स अ सिंपल स्माइल ये स्माइल किसका है दया का है इन स्टूडेंट की मुझे दया आती है दया समझते हो ना मराठी अगर अच्छा है या सगैं मुलां माला की वे थे तो दे आर नॉट इंटाइटल माय डियर टू से यार मैं फाउंडेशन में फेल हो गया सही बोल रहा हूँ कि नहीं इनको ये बोलने का अधिकार नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट दे डिजर्व द सेम थिंग मजा किया बात है हर दिन 11 बजे यहाँ लेक्चर होता है मंडे से साढ़े नौ बजे से होगा तो दस मिनट पहले ड्राइवर छोड़ के जाता है अभी मैं जब से एजुकेशन में हूँ चाय की आदत लगी है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक चाय का शॉप है उस साइड में वहाँ से आधा कप पाँच रुपये वाला चाय लेता हूँ कि तो थोड़ा कम भी हो लेकिन चाय लगता है और पीछे जाके चाय पीता हूँ अभी भी मैं चाय पी के आया हूँ मुझे क्या मालूम ऊपर किसका क्लास है हर दिन मैं गाने सुनता हूँ कोई लड़का लड़की गाने गा रहे हैं एक दिन सुनता हूँ किसी ने गाना लगाया है डेफिनेटली फ्रॉम यूट्यूब मुझे आश्चर्य होता है कि क्लास मतलब क्या चल रहा है बड़ी दिस तो आज कोइंसिडेंटली हमारे दर्शन खरे सर मेरे साथ चाय पीने को थे तो मैंने दर्शन को कहा दर्शन किसका क्लास है तो उसने हंस के नाम बताया मुझे अच्छा ओ तो इस क्लास में ये चलता है सर क्या बताएं यही चलता है ऑपरे तो स्टूडेंट जब क्लास को आते हैं आज मेरे सामने आप बैठे हो कुछ पर्पस तो मन में है आज जैसे में सर सेट ऑप पढ़ाएंगे उसके बाद पार्टनरशिप के सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करेंगे पर्पस है कि नहीं पर्पस है ना उ स्टूडेंट दे कैन लीव अ परपज लेस लाइफ लाइफ को कोई पर्पज ही नहीं है क्लास पे आके जाके हर दिन ढींगाना करना है गाने ही गाने हैं तो भाई क्लास का पर्पज ही कुछ नहीं है यू आर कमिंग हियर फॉर टाइम पास है मैं टेक्निकली राइट हर दिन सुनता हो मेरे पोते की कसम मुझे आश्चर्य होता है अभी आप कहोगे सर आपने भी एक दिन गाना गाया था एक दिन ना एक दिन ना हर दिन गाने गाता हूं मैं? हर एक एक्टिविटी के पीछे अभी सात दिन ही छह दिन ही मैं आपके साथ हूँ आज सातवा दिन है होना चाहिए मैं पौने सात बजे जब ग्राउंड पे जाता हूं अभी बंद हो जाएगा सत्रह तारीख से मेरे सात बजे से ही लेक्चर शुरू होंगे जो डेढ़ बजे तक चलेंगे ठीक है ओके तो मैं शाम को करूंगा नो प्रॉब्लम ग्राउंड पे जाता हूं तो पर्पज क्या है परपज एब्सोल्यूट फिटनेस एब्सोल्यूट फिटनेस बीवी उसके सात आठ दोस्तों के साथ चलती है मैं अकेला होता हूं एकदम मिडिल में मैं भागना शुरू करता हूँ एक पंद्रह मिनट भागता हूं तो बीबी के ग्रुप को पास होता हूँ तो बीबी ने मुझे कितनी बार पूछा है आर यू ओके सिक्सटीज में एंट्री करोगे क्यों भागते हो मैंने कहा मेरी दोस्त यहां मैं भागूंगा तो संडे मॉर्निंग जब टेनिस खेलता हूँ तो मुझे कोई हरा नहीं सकता तो इसका उपयोग वहां पे है तो कुछ पर्पज़ है ना ए, सही बोल रहा हूँ कि नहीं पर्पज है ना कुछ पर्पज तो होना चाहिए हाउ बॉयज एंड गर्ल्स जिनको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है बारिश में मैं कभी कभार जब महाबलेश्वर जाता हूं तो महाबलेश्वर के घाट में विश्वास कीजिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है अभी आप कहोगे से ये क्यों बता रहे हो ना विषय विषय है ना कारण सामने फॉग होता है डीपर मार के भी साला चार फीट के बाहर दिखता नहीं तो मेजोरिटी की जिंदगी में ऐसा ही फोग है आगे क्या है ये ना किसी को मालूम है ना किसी को जानने में इंटरेस्ट है अब मुझे पूछिए सर आप हमें टॉन मार रहे हो गालियां दे रहे हो आपका आगे क्या है क्या आगे है सिक्सटी फाइव तक कम करूंगा ऐसा ही फिट रहा सेवेंटी तक कम रहूंगा और एक चार पांच करोड़ का बैंक बैलेंस करके रिटायरमेंट लूंगा एल से और चार करोड़ मिलेंगे टम तुम सर्टन है कि नहीं सिक्योर किया ना ओल्ड एज जून के पहले हफ्ते में फिर फॉरेन जा रहा हूं नेक्स्ट थर्सडे पांचवी गाड़ी आ रही है दिवाली मैं फैमिली लोग फैमिली को लेके फिर फॉरेन। एवरीथिंग इज सर्टन मेरी जिंदगी में मैंने फॉग रखा नहीं फॉक माने ढुक सामने का दिखता ही नहीं आज मैं आपको दोस्ती में पूछना चाहूंगा वैसे तो ही है मीटिंग गारंटी के साथ बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? पाओगे। कारण कारण नहीं वही है अगर मैं कहता हूं सिक्सटी फाइव तक काम करूंगा फिट रहता हूं तो सेवेंटी तक इसका मतलब मुझे मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस है काम करने का दम है हिम्मत है तो हाथ ऊपर कीजिए आपकी इच्छा हो तो मत कीजिए ये कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है इनको गारंटी है कि आने वाले एग्जाम में वो लड़के लड़कियां पास होंगे कारण जो मैं बता रहा हूं द मेन क्वेश्चन इज आर यू डूइंग दैट 2014 में इनको मालूम है मैं आईसीयू में था इन्होंने फोटो भी देखा था ऐसी सभी वायर लगाई है तीस चालीस वायर तो दोस्तों मेरा बीपी हो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड 256 और मेरी टंग पे पैरलाइटिकल पे स्ट्रोक आ गया पैरलाइसिस का अटैक आ गया तो मैं एकदम ऐसा बच्ची जैसा बोल रहा था आधा अधूरा तो आईसीयू में उस दिन डॉक्टर बहुलीकर ने उस दिन से आज तक मुझे जो जो टैबलेट दी है एक टैबलेट भी मैंने मिस नहीं की है चाहे मैं यूरोप में हो चाहे मैं पेरिस में हो चाहे मैं दुबई में हो तो ये जो गोली है इट इज सेम एच टू एवरीडे क्वेश्चन दैट आई गिव फॉर योर ओन प्रिपरेशन गोली लोगे देन यू विल बी नॉलेज वाइज फिट कुछ गलत बोल रहा हूं तो माफी चाहूंगा इतना तो आपको मैसेज जाता होगा हर दिन एस एम सर हमारे जेन्युन वेल विशर है गोली दे रहा हो ना भाई साहब तो ले लो ना हा? मेरे पिताजी के बड़े भाई थे सीरियस बीमार थे क्या हुआ था बताओ टीबी ट्यूबरकालसिस ना बच्चा ना कोई लड़का लड़की नहीं तो मैं और मेरा भाई उनकी केयर लेते थे तो चार दिन बाद मैंने हाउस को बताया उनका बेड क्लीन करो बीमार आदमी का बेड क्लीन करो स्मेल आता था वहां पे। तो क्लीन करने गई तो इनके पिलो के नीचे इतनी गोलियां मिली तो मैंने अंकल को कहा शेतकारी फार्मर अंकल सगे सगे अंकल पिताजी के बड़े भाई मैंने कहा काका हम आपके लिए इतना कर रहे हैं और डॉक्टर ने जो गोलियां दी है वो गोलियां नहीं लोगे तो आपकी तबीयत इंप्रूव कैसे होगी तो फिर आप गांव जाओ वी बिलोंग टू कामशेत लोनावला से पहले मारौली मारौली से पहले कामशेत वी आर फार्मर्स तो आप कामशेद जाओ हमारा समय और पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो सही था या नहीं तो उन्होंने कहा नहीं संजय मेरी गलती हो गई मैं अभी से लूंगा एब्सोल्युटली जोकिश पीपल डॉक्टर दे रहे गोली अभी तो ले लो नहीं यार फिर अगस्त अठारह को मुझे शुगर सिक्स हंड्रेड हो गई है ना प्रूफ है ना क्या शुगर में मैंने एक लेक्चर भी कैंसिल नहीं किया क्या डिटर्मिनेशन होगा चार सौ में लोगों को पैरालिसिस का अटैक आता है और मैं 600 सौ में पढ़ा रहा था <laughs> टुडे माय शुगर इज 97 सेवन so, तो कम से कम 12 चीजें मैंने खाना ही बंद की सबसे तो फेवरेट चीजें बंद कर दी ओके okay, वो ना खाना मेरे लिए अच्छा है ना तो ना खाएंगे कुछ चीजें खानी पड़ती है गोलियां और ये चीजें बंद करनी पड़ी है ना तो अभी मैं फिर से शक्कर का चाय पी रहा हूं जो परमिटेड है मैं वही कह रहा हूं क्यों नहीं होता आपकी जनरेशन से एक तरफ आपको बड़ा होना है कभी ना कभी तो लगता होगा मेरा एस एम सर जैसा घर हो कभी तक तो, कभी तो लगता होगा जी भी सर मेरे घर पर पहली बार आए थे उन्होंने कहा अभी तुम्हें गोवा जाने की जरूरत नहीं है मैंने कहा क्यों रे उन्होंने कहा अभी तो फाइव स्टार होटल बना दिया ये कॉम्प्लीमेंट था तो वैसे आपको लगेगा एस एम सर की पांचवी गाड़ी आ रही है मेरी भी जिंदगी में इतनी बरकत हो प्रोग्रेस हो तो अभी तो यंग प्रोफेसर नाम नहीं बताता हूँ क्लास वाले मेरे साथ चाय पी रहे थे एक दूसरे को बता रहा था अरे चार साल तू कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा है दोनों ने मुझे हाय कहा सर कैसे हो चार साल पढ़ा रहा है और इतनी जल्दी स्टूडेंट कैसे एक्सपेक्ट करता है तो उनमें से दाढ़ी वाले ने जो सीनियर है उसने मुझे कहा है, सिम सर आप ही बताइए मैंने कहा मेरे दोस्त थर्टी एट ईयर्स से लगा हूँ तो आज साल भर में तीन साढ़े तीन हजार बच्चों को पढ़ाता हूँ सक्सेस ऐसे ही थोड़े फटाफट मिलता है यू हैव टू वेट यू हैव टू गिव टाइम आश्चर्य की बात लास्ट बोलता हूँ और आगे जाता हूँ सॉरी फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे हर दिन ये परेशान कर रहा है जब इनको मैं जाते हुए देखता हूं मुझे आपकी चिंता है सरप्राइजिंग चीज ऐसी है कि स्टूडेंट को ही अपनी ही चिंता नहीं है तो अब क्या करे भाई अब क्या करे कुछ नहीं करेंगे अगर मेरे दोस्त यहां पे होते हैं, ये भी सर तो मुझे कहते हैं यार क्यों बोलते हो वैसे जाने दो जाओ और अच्छा पढ़ाओ लेकिन क्या करें अंदर जो ओरिजिनल टीचर है उसको हर दिन कैसे मर्डर करूं मैं गुड डायलॉग और नॉट हर दिन कैसे मारू यार मैं? एक मां देख रही है अपना बच्चा बिगड़ रहा है तो क्या मैं शांत बैठेगी वैसे ही हमारे हालात है फिर मैं यहाँ आके क्या टाइम पास करता हूं पार्टनरशिप के दोनों लेक्चर मुझे लगता है देवेर द दे बेस्ट वंस तो अभी इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए वो घर पे बैठ के पूरा क्वेश्चन बैंक लिखा आंसर दिए आपको अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों विचारों से और कंपनी से जिंदगी मिलती अभी मैं गाड़ी चला रहा था एक दोस्त का फोन आया था किसी को देखना है तो नाम दिखाता हूं ये कितने पैसों का मालिक है मैं बताऊंगा फोर थर्टी फोर को ही इज द ओनर ऑफ वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ प्रॉपर्टी मुझे गाली याद ही पहले मिलता नहीं मैंने कहा नेक्स्ट वीक में हमारे दोनों का एक कॉमन दोस्त हम खाना खाने का जिसमें मैंने फ्लैट लिया उसी कंपनी का एक पार्टनर था एंड ही रिटायर्ड वील रिटायरिंग ही टूक ही शेयर 1300 करोड़ रोहन बिल्डर में पार्टनर था ये तो हम अभी थर्सडे को मिलेंगे डिनर के लिए बहुत दिन बाद तो कहाँ गए लोग 1300 करोड़ चलो इसका एक टका भी मैंने नहीं कमाया तेरह करोड़ <laughs> फिर भी दोस्ती वहाँ पे है तो मैं इनको देखता हूँ मैं बच्चन सबको देखता हूँ हैदराबाद में इंजोअर्ड हुए डॉक्टर ने बताया पंद्रह दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट बच्चन साहब इंजर्ड हुए थे रिसेंटली क्या खतरनाक आदमी है 80 की उम्र में दिन डॉक्टर की बात ना मान के शूटिंग को प्रेजेंट थे एटी उम्र का इतना तीन हजार करोड़ उनकी नेटवर्थ है आज बच्चन फैमिली की फिर ये बंदा क्यों काम कर रहा है काम करने का पैशन है और मर्द अगर काम नहीं करेगा तो टाइम पास टाइम पास टाइम पास इतना भी टाइम पास हमें सहा नहीं जाता अगर मैं आपको कहूं आपके पिताजी कहे तुम कुछ मत करो तो भी तुम पागल हो जाओगे कुछ मत करो मतलब नहीं मैं देखता हूं ना तुम्हारा पूरा बंदोबस्त देखता हूं मेरी लड़की ने भी मुझे कहा था जिस दिन शुगर डेवलप हो गई बाबा बंद कर बंद कर मैं तुम्हें एक लाख रुपये महीने देती हूं बस आराम करो और मजे करो मैंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा बेटा तेरी फीलिंग मुझे समझी यू टेक केयर अबाउट योर फादर एक लाख मैं देती हूं तुम्हें तो करू क्या घर पे बर्तन धोते हुए हाँ हर दो घंटे बाद बीबी को और मेरा झगड़ा होगा लॉब <laughs> डीएमयू का उल्टा मोर ऑफ अ थिंग यू हैव लेस यू वॉन्ट इट इट ऑज नॉट इसलिए तो अच्छा होता है लेस ऑफ अ थिंग यू हैव मोर यू वॉन्ट इट तो बेटी ने भी हंस के कहा वो तो तुम्हारे लिए मुश्किल है ये तुम्हारा सर खाएगी बीवी के सामने ही कहा ये माँ तुम्हारा सर खाएगी मैंने कहा थिंग ये तुम्हारा भी अनुभव है ना हाँ मेरा भी है तो दैट्स अ थिंग काम नहीं तो काू मैं मित्रों आई एम नोन फॉर माई वर्क 80 साल का मेरे आदर्श आज बच्चन है मेरे आज आदर्श प्राइम मिनिस्टर मोदी भी है उनकी डिक्टेटरशिप एटीट्यूड में नहीं हार्ड वर्किंग एटीट्यूड में चार बजे साहब उठते हैं योगा करते इज नाउ सेवेंटी मुझे अगर किसी ने ऑफर दिया मोदी की पोजीशन आपको एक साल के लिए देते मैं पाऊँ पड़ूंगा कौन टेंशन लेगा साला एक सौ पैंतालीस करोड़ के टेंशन मुझे मेरी फैमिली का ही टेंशन ठीक है इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता जितना मोदी जी कर रहे लेट लेट्स बी ऑनेस्ट तो ऐसे कैसे अब बड़े हो जाओगे आपके पास पैसा आएगा गाड़ी आएंगी फ्लैट आएगा ऐसे कैसे अचानक होगा सर मैं हर दिन ना सारस बाग के गणपति को जाता हूँ अब बाहर बैठना ही है एक दिन मंदिर के बाहर बैठना ही है तो अच्छा स्पॉट सिलेक्ट कर ले सर तो मेरी गर्लफ्रेंड भी है हम दोनों जाते हैं अरे क्या बात है बहुत बढ़िया तो दोनों बाहर बैठने की तैयारी करो गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा तुम एक पैसा दोगे वो दस लाख देगा अरे भैया छोटा लाइफ है इसलिए तो मैं कहता हूँ लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड यू वांट टू मेक इट ब्यूटीफुल यू अंडरस्टैंड वेरी ब्यूटीफुल लाइफ है उसे ब्यूटीफुल करना है हर वक्त पैसों की ज़रूरत आ पड़ती है आज अचानक मेरे ड्राइवर ने कहा सर पोलो गाड़ी पाँच साल की हो गई रेड कार में आता हूँ ना मैं उसके टायर बदलने मैंने कहा बदल दो छब्बीस हजार छ सौ टायर कितने में छब्बीस हजार छः सौ आवाज करे तो नहीं पैसा हर वक्त लगता है यार हाँ ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहाँ पैसा नहीं लगता स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ चलो दो मिनट देखता है मुझे निकलते हुए उसके असिस्टेंट बोलती है दो हजार अ आता दो हजार दो मिनट के आई ला बराबर है।, so so, है पैसे के मैं तो खुलेआम बात करू मेरे पास पैसे है तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ जिस दिन पैसे नहीं रहते उस दिन मेरी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पंक्चर्ड आदमी होता हूँ पंक्चर्ड पैसा इतना जरूरी है बस प्यार है एफेक्शन है बात की जी जान से मेहनत करो जी जान से बाकी सब चीज़ें भूल जाओ ढाई महीने सब कुछ पॉसिबल है सब कुछ पॉसिबल जो बता रहा हूं वो करो बहुत जिंदगी भर याद करोगे आपको बहुत याद करो लेकिन ये करो तो मज़ा है चलो हाँ तो सेट ऑफ की तरफ आते आई एम अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म सुन रहे हो आई एम अ पार्टनर ऑफ एन जरा ध्यान से सुन लीजिए एक बिजनेसमैन मेरा क्रेडिटर भी है और मेरा डेटर भी है उसे पैसे देने हैं पचास हजार और उससे पैसे मिलने हैं मुझे तीस हजार कितने देने हैं पचास हजार और कितने लेने हैं इतना सिंपल हिसाब है पचास देने हैं, तीस लेने हैं सेट ऑफ करके हिसाब क्लियर करो बीस हजार दे दो हिसाब क्लियर लेकिन अगर आपकी फॉर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप ये सेट ऑफ नहीं कर सकते मजेदार बात है आप उसको पचास हजार देने पड़ेंगे लेकिन उसने अगर तीस हजार नहीं दिए बोला आप उसके खिलाफ केस कारण आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है चला एन अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी पार्टनर देयर ऑफ कैन नॉट क्लेम ए सेट ऑफ इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग कोर्ट केस इंस्टीट्यूटेड स्टार्टेड अगेंस्ट द फर्म बाय ए थर्ड पार्टी

स्टिल यू कैन क्लेम अ सेट ऑप अपू रुपीज हंड्रेड हंड्रेड रुपीज में आज पाव भाजी भी नहीं आती वो भी एक सौ तीस एक सौ चालीस रुपये हो गई एक्स्ट्रा ब्रेड एक्स्ट्रा हंड्रेड रुपीज सला निकाले कहां से और क्यों है कई ऐसी लीगल प्रोविजन का आप अकेले सोचते बैठोगे तो आपको जवाब ही नहीं मिलता कोई आप में से कहेगा सर 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 कैसे डिसाइड की? इसके पीछे का बताओ। मुझे क्या यार मुझे क्या मालूम हंड्रेड कहा नहीं सर नहीं ठीक है मैं तुम्हें सवाल पूछता हूँ तुमने सही जवाब दिया तो मैं जवाब दूंगा सर कुछ भी पूछ लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज में डेज ऑफ ग्रेस टीन ही क्यों है तो क्या फालतू फलतूगी शुरुआत किसने की मैं, मैं वही बोल रहा हूं तो ऐसे कुछ प्रोविजन है जिसके पीछे कोई भी मुझे तो बेस मालूम दिट है ओके दिस राइट ऑफ सेट ऑफ हाउ एवर इज नॉट एफेक्टेड इफ द क्लेम ऑफ सेट ऑप डॉट एक्सीड रूपीज हंड्रेड इन वैल्यू अभी छः केसेस हैं जहाँ पे नॉन रजिस्ट्रेशन से कोई भी बुरा परिणाम होता नहीं दोस्तों दो तीन केसेस तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए जरा ध्यान से सुनो तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा इतने स्टूडेंट्स हैं मैं सोचता नहीं मेरे सामने दस भी स्टूडेंट होंगे मैं इतना ही परफेक्ट पढ़ाऊंगा शुरू करूं इवन दो योर फॉर्म इज अनरजिस्टर्ड क्या कहा मैंने इवन दो योर फॉर्म इज स्टिल नीचे की छह एक्टिविटीज पे कोई भी बुरा परिणाम होता इनमें से तीन मैंने आपको पढ़ा भी दिए आपको समझा भी नहीं कब पढ़ा दिए एक अभी पढ़ाया हंड्रेड रुपीज तक सेट ऑफ है उस पर कोई भी बुरा परिणाम होता इवन दो अनरजिस्टर्ड फॉर्म है यू कैन क्लेम इट पढ़ाया ना अभी दूसरा अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म इंडिया में फंक्शन नहीं करती तो उसे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है ये इंडियन लॉ को बताने की क्या जरूरत अगर कोई फॉर्म इंग्लैंड में काम करती है तो उसे इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा ना उसे इंडियन लॉ को क्यों एप्लीकेबल होगा ये बताने की जरूरत है और तीसरा पॉइंट कल ही पढ़ाया था फर्म अनरजिस्टर्ड है उसमें चोरी होती है याद आ रहा क्या लैपटॉप और आईपैड छ सात लाख के चोरी किए कैन दे मेक अ पोलिस केस कारण उनके लैपटॉप और आईपैड चोरों से रिकवर करना है यह अधिकार किसी कॉन्ट्रैक्ट से मिलता यह अधिकार मिलता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से कौन से कॉन्ट्रैक्ट से मिलता है तो एक अभी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आगे इसका दूसरा भी उपयोग है आगे शायद नेक्स्ट वीक में थर्सडे फ्राइडे के लेक्चर में एबीसी ने बड़े इंथ्यूजम में पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया अरे भाई पार्टनरशिप फॉर्म शुरू क्यों करते हैं पर्पज क्या है पैसे कमाना प्रॉफिट अर्निंग इज द ओनली ऑब्जेक्टिव इज इट नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर्म नो वे नो वे ए और बी अच्छे घर के थे आराम से कैपिटल बीस बीस लाख रुपये लाया लेकिन ये सी इनका कॉमन दोस्त बेचारा इनके ही जैसा एम्बिशियस है लेकिन इसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है तो इसने 20 लाख लाए काका से 10 लाख लिए और मामा से 10 लाख दिए और दोनों को दो दो टक्का पर मंथ ब्याज प्रॉमिस किया तो इसने बाहर से पैसे उठाए और इसने कैपिटल लिया सपने होते हैं मैं बिजनेस शुरू करूंगा पैसे मिलेंगे मैं करोड़ों का मालिक बनूंगा छोटा सा एस एम स्पेशल बीच में कमेंट, अगर आप में से किसी को चाय पीने पे मिलते और मैं कहता हूँ क्या रे तो स्टडी नहीं करता सर नहीं करता क्यों रे इतना बिन्दा सर मैं स्टार्टअप में जाऊंगा ऑल ऑल आज इंडिया के 95 फाइव परसेंट स्टार्टअप लॉस में है यू अंडरस्टैंड इंक्लूडिंग माई डॉटर वेरशी वर्क जोमैटो बाकी के लॉस ना बताओ ऐसी फिगर है बाई यूज फोर फाइव फाइव एट करोड अन एकेडमी टू थाउजेंड एट हंड्रेड करोड स्टार्टअप खुए है है? इंडिया में तो ऐसे हालात हो गए कोई अगर सपना बना रहा है मैं बिजनेस शुरू करूंगा अरे भाई कौन सा बिजनेस शुरू करेगा हा? कौन सा करेगा ऑलरेडी मार्केट में मोर देन रिक्वायर्ड हालात है जरा आंखें ओपन रखो हर एक एरिया में अगर पंद्रह बीस शॉप्स हैं उनमें से चार पांच शॉप बंद हो गए हैं उनको रेंट परवड़ता नहीं रेंट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर बंद कर देते हैं समझ में आ रहा है कि आपको स्टार्टअप करूंगा फिर तो तो मैं तिलक रोड पे एसपी कॉलेज के एरिया में रेडीमेड गारमेंट का शॉप करूंगा औोलो आल, आल, बाली हाँ अलका टॉकी तक दो सौ शॉप है तेरा नंबर होगा टू जीरो वन पास ग्राहक आएंगे कहा से ऊपर से गिरेंगे ऑलरेडी वो बिना काम के वहां बैठे हैं दो सौ शॉप क्या सेल करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मोबाइल बेचूंगा और भारी आइडिया बर्बाद होने की आइडिया है ऑलरेडी पूना में तिलक रोड ज्ञान प्रबोधिनी के एरिया में सेवेंटी नाइन शॉप है तुम्हारा शॉप क्या चलेगा रे बस 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 मेरा इतना ही कह सर लास्ट मैं एफ सी रोड पे होटल शुरू करूंगा और भारी 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 एकदम पूरी फैमिली को लेके खड़क जाओगे जब मारू एफसी रोड पे पहले वैशाली रूपाली थे तो थोड़ा चांस तो थो था वाड़ेश्वर अभी आगे जाके अन्ना हाँ बीच वाली लेन में एफसी रोड के सामने और ऐसे अनगिनत पोलिस ग्राउंड तक खाने के जॉइंट्स हैं। तेरा बिजनेस कैसे चलेगा कहां से ग्राहक आएंगे तो इन एवरी फील्ड इट इज मोर देन रिक्वायर्ड यू एक्सेप्ट इट और नॉट हां आपके पास कुछ नई आइडिया है जो मार्केट में सेलेबल है वो चलेगी वो चलेगी लेकिन आइडिया होनी चाहिए नहीं और वो मार्केट में चलने वाली चाहिए अरे काम करता हूँ लास्ट आइडिया बताऊँ। हो संग। तो मात्रे ब्रिज का डीपी रोड वहां पे एक धाबा स्टाइल रेस्टोरेंट शुरू करता हूँ एक -एक तुझा प्लान भारी है बाबा। हवा है तुझा हाँ वहां पे यहां से जाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में थर्टी नाइन है और राइट हैंड साइड में ट्वेंटी वन है थर्टी नाइन और ट्वेंटी वन सिक्सटी ऑलरेडी इट इज मोर देन रिक्वायर्ड सही है या नहीं तो है कौन सा एरिया भाई वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट कारण क्या है आज ऐसे यंग एज में बैठे हो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं बाप हूँ मेरे लिए ऐसे दरवाजे सभी खुले अच्छा अच्छा के एल राहुल परफॉर्मड इन फोर इनिंग्स वाइस कैप्टन था इंडियन टीम का टीम से ही बाहर निकला वही हो रहा है कॉरपोरेट वर्ल्ड में वही हो रहा है सभी जगह वही हो रहा है बिंदास मेल भेजते हैं उड़ा देते हैं पांच हजार लोगों को रिसेंटली एमेजोन ने नौ हजार को उड़ाया क्या करेंगे ये नौ हजार लेकिन सी डिग्री ऐसी है जिसे कोई हाथ लगा सकता चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करके या ईमेल या जूम कॉल पे किसी के बताने की हिम्मत नहीं है आप कल से मत आइए दैट द वैल्यू रिस्पेक्ट ऑफ दैट डिग्री एंड सेलेबिलिटी हाँ आगे चलो तो एबीसी ने पार्टनरशिप शुरू की बीस 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 अपेक्षा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट कैपिटल में ही ऐड होता है ना पहले साल में लॉस पंद्रह लाख तीनों के कैपिटल को डेबिट किया गया पांच 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 जी पहले ही डर गया अरे बाप रे बीस के पचास हो जाएंगे लाख इसलिए मैंने कैपिटल आया ये तो साला बीस का पंद्रह हो गया चाय पे ए और बी के साथ बात की क्या यार मेरा कैपिटल कम हो गया ए और बी ने कहा हमारा भी हो गया लेकिन सी ने कहा अरे तुम अच्छे घर के हो मैं तो ये पैसे बाहर से उठा के लाया हूं हर महीने ब्याज दे रहा हूं रुको रुको ए और बी ने कन्विंस किया दूसरा साल नेट लॉस ट्वेंटी वन लैक्स तात, तात, सात 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 बीस लाया था बारह डेबिट हुए कैपिटल रह गया आठ लाख तो अभी सी का तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया सला यही ट्रेंड रही तो नेक्स्ट ईयर तो मेरा कैपिटल जीरो हो जाएगा जीरो आया था लाया था इस अपेक्षा से कि वो बढ़ेगा प्रॉफिट के कारण ये ए और बी के साथ इमरजेंसी मीटिंग लेगा मेरे बाप बिजनेस बंद करते कण तो लॉस ही हो रहा है प्रॉफिट होने का कोई चांस मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव जो पैसे कमाने का था वो हम अचीव कर और बी ने कहा नहीं बंद नहीं करेंगे थोड़ा सा शुरुआत में लॉस ही होता है तीन ने कहा मेरे बाप प्लीज बंद करो मर जाएंगे हम तीनों तीन ने कहा ठीक है मैं कोर्ट में अप्लाई करता हूं बुक्स सब अकाउंट जैसा दिखाता हूं और कहता हूं जैसा आप ही देखिए प्रॉफिट होने का को कोई चांस है नहीं है तो आप फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए तो यहां ए बी सी गलती करते ए और बी हंसते हंसते सी को कहते हैं तू कैसे केस करेगा रे तू तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म का पार्टनर है यू कैन डिमांड डिजोल्यूशन ये ए और बी की गलती है इवन दो सी इज अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म आपको क्लू मिला कैन ही मेक अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड डिमांड डिजोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जज यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट समझा है चलो छे केसेस और इसके इस बाद एक पाँच सात मिनट में, में हो जाएगा इसके बाद हम नए विषय में जाएंगे मैं हर एक इम्पॉर्टेंट बात को फ्रॉम माय परसेप्शन मैं कवर कर रहा हूँ आज मैंने कल प्रॉमिस दिया था रजिस्ट्रेशन के दो सवाल है आज मैंने पहला आपके राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दिया है दूसरा ऑब्वियसली कल आएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो कल क्वेश्चन मिलेगा आपको जरूर कीजिए मैं आशावादी इंसान हूँ मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ मैं पेसिमिस्टिक निराशावादी नहीं हूँ मैं आशावादी हूँ खुद में अगर विश्वास है तो यू कैन डू इट मीन्स यू कैन डू इट खाली समय का दोस्तों सही इस्तेमाल करो कण कर बोलते बोलते मार्च भी खत्म हो गया चला ये जो कैलेंडर है ना ये घड़ी चला किसके लिए रुकती नहीं ये सबसे बड़ी मजबूरी है दिस डजेंट स्टॉप फॉर एनी वन तो ये तो ऐसे ही आगे जाएगा समय के साथ आपको आगे जाना पड़ेगा चलो नॉन रजिस्ट्रेशन हाउ एवर नॉट एफेक्ट नंबर वन द राइट ऑफ ए फर्म और पार्टनर्स ऑफ ए फर्म हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मैंने कहा था इफ एनी फर्म इज ऑपरेटिंग इन इंग्लैंड तो उसे इंडियन रूल कैसे अप्लाई होगा द राइट टू एनी सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग रुपीज हंड्रेड इन वैल्यू द राइट ऑफ अ पार्टनर अभी मैं मिनट इसी विषय पे बोल रहा था द राइट ऑफ ए पार्टनर टू स्यू टू मेक अ केस फॉर द दिजोल्यूशन ऑफ द द फर्म और फॉर अकाउंट्स हिसाब किताब Of the dissolved firm or for a share of the property of the dissolved firm. Into bracket, it should be noted that this disability of a partner to make a case disappears with the dissolution of the firm. The powers of एन ऑफिशियल डिस्कस इट फॉर टू मिनिट्स रिसीवर और लिख सकते हो टू रियलाइज मींस टू सेल बेचना अगर फॉर्म डिजॉल्व हो रही है कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी बेच सकता है इवन दो फर्म इज अनस्टर्ड कोर्ट टू रियलाइज टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ एन अन के क्रेडिटर्स इनके खिलाफ केस कर सकते हैं इवन दो दिस फर्म इज अनजिस्टर्ड थर्ड पार्टी के अधिकारों को कोई प्रॉब्लम आता नहीं द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू प्रोसीड अगेंस्ट एन अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर और लैपटॉप और आईपैड इस फर्म में चोरों ने चोरी करके छ सात लाख की चीजें लेके वो भाग गए ये पोलिस केस कर सकते हैं द राइट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म टू एनफोर्स ए राइट arising otherwise than out of a contract। तो जब लेक्चर को आते हुए मैं सोचता हूँ वॉट आई एक्सपेक्ट फॉर अ कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ फाउंडेशन लॉ पेपर तो मुझे और एक छः मार्क का कॉन्सेप्ट मिला जो लास्ट पंद्रह मिनट में मैं डिस्कस करके आज रुकता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है दिखाता हूँ ये मैं सोचते सोचते ही गाड़ी चलाता हूँ और लेक्चर का प्लान करते हुए यहां पहुंचता हूं पहले चैप्टर में हाँ ये देखो रिवीजन नोट्स के पेज नंबर एटी फोर मेरे पास 16 मिनट है ये आराम से हो जाएगा एंड हियर आई विल कंटिन्यू पूरा ध्यान आपका मेरी तरफ है दो लेक्चर पहले जब मैंने आपकी बैच में पार्टनरशिप शुरू किया लास्ट दस लेक्चर मैं पार्टनरशिप पे ले रहा हूँ तो आज पार्टनरशिप का चौथा लेक्चर है पहले लेक्चर में मैंने आराम से पार्टनरशिप की डेफिनेशन तीन चार बार बताई तो इसमें एक फीचर आया था एग्रीमेंट और वहाँ मैंने ऐसी फ्लाइंग कमेंट की थी कमेंट वाज पार्टनरशिप फर्म तीन टाइप्स के होते हैं कितने टाइप्स के याद आएगा आपको एबीसी पार्टनरशिप हम शुरू करते हैं एक दूसरे के लिए एकदम नए लोग हैं मन में गारंटी नहीं है कि कितने साल हमारा जमेगा तो वो सेफ्टी ग्राउंड डिसाइड करते हैं हम पांच साल के लिए पार्टनरशिप शुरू करेंगे कितने सालों के लिए पांच साल बाद कंप्लीट होने के बाद लॉ कहता है दिस फॉर्म शुड बी डिजोल्व पांच साल के लिए बनाई थी ना दूसरी फॉर्म बराबर है मैंने ही कहा था मेरे घर के सामने जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है बाईस ट्वेंटी टू सिक्स बिल्डिंग वो दो कॉन्ट्रैक्टर टेम्पररी पार्टनरशिप में बना रहे हैं गार्डियन एंड परंस पे एग्जैक्टली exactly, मैं जब टेरिस में बैठता हूं सामने मुझे सभी बिल्डिंग दिखती है ये दोनों इसी प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर हुए तो जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा लॉ क्या कहेगा पर्पज अकम्प्लिश हुआ है प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है इसे अकाउंट्स में कहा जाता है जॉइंट वेंचर और इसे लॉ में कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा लॉ कहता है योर फॉर्म शुड बी डिस और तीसरी फॉर्म होती है पार्टनरशिप एट विल जिसमें पार्टनर एग्रीमेंट में कितने सालों के लिए हम पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं ये कुछ भी लिखते यू गॉट इट तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते और मेरे पास एक स्पेशल कॉमेंट्री होगी अबाउट पार्टनरशिप एट विल तो पार्टनरशिप एट विल सीक्वेंस में नंबर टू पे है लेकिन मैं कुछ परपस से इसे पहले पढ़ाऊंगा राइट मुझे लगता है हमें नोट्स की तो जरूरत नहीं है मुझे तो नहीं है एटलीस्ट शुरू करूं पार्टनरशिप एट विल लॉ कहता है अगर ए बी सी अब तीन पार्टनर हो अपने एग्रीमेंट अपने एग्रीमेंट एकदम कैजुअली बनाया क्या बनाया कैजुअली मतलब उस एग्रीमेंट में आपने पार्टनर के राइट्स अधिकार पार्टनर की ड्यूटीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये कुछ भी डिसाइड किया इतना ही लिखा कि हम एक दूसरे के पार्टनर्स है तो लॉ कहता है चिंता की जरूरत नहीं है अपने ड्यूटीज और राइट डिसाइड नहीं किए तो फॉलो मी यही लॉ यही लॉ पार्टनरशिप के सेकंड चैप्टर में पार्टनर के चौदह राइट्स बताता है कितने अधिकार लॉ बताता है चौदह तो लॉ कहता है अपने नहीं डिसाइड किया चिंता की बात नहीं है मैं जो कहता हूं वो फॉलो करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में लॉ यही कहता है आपने रेशो डिसाइड किया थ्री एच टू टू एच टू वन तो वो फॉलो करो लेकिन डिसाइड नहीं किया तो मैं कहता हूं वो फॉलो करो क्या है कभी जिंदगी में खुद को पूछा है आई एम सॉरी कोई कहेगा सर टॉन्ट मार रहे हो यस टॉन्ट मारो ऐसा रेशो क्यों होता है थ्री एच टू टू एच टू वन ए बी सी का बी और सी हंसी खुशी अपनी मर्जी से कम रेशियो एक्सेप्ट क्यों करते हैं जिसकी मार्केट में ज्यादा सेलेबिलिटी होती है जो मार्केट में ज्यादा चलने वाला सिक्का होता है बोला उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होता है सिंपल बचपन की पॉलिसी अभी आप हंसोगे तो कहां से कहाँ जाते हो ये तो अपनी स्पेशलिटी है बचपन में जब दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे जिसकी बैट होती थी नेचुरली वो पहले बैटिंग करता था है कि नहीं वैसे ही है जिसका मार्केट में सिक्का चलता है वो ज्यादा ही पैसे मांगेगा आईपीएल में वही है हार्दिक पांड्या 18 करोड़ नॉट चलने वाला सिक्का है ऑलराउंडर है और कल पहला मैच जीता भी है धोनी के खिलाफ तो कोई टॉन मारना चाहेगा ना सर, अपने मैच देखा ऐसा अत्याचार मत कीजिए मैंने उस एक्टिविटी को देखना बंद किया जहां लोग पैसा कमा के बड़े होते हैं मैं उस एक्टिविटीज को करता हूं जहां पैसा कमा के मैं बड़ा हो जाऊं लोगों को तालिया बजाना बंद किया मैंने वेल well प्लेड तू कब खेलेगा ये लोग तुझे कब तालियां बजाएंगे ये दूसरों को तालियां बजाने का चक्कर बहुत बुरा है तू कब सेंचुरी मारेगा रे अरे भाओ तू कब सेंचुरी मारेगा बस बजने तो ना फोन आने क्या फर्क पड़ता है हा? क्या कह रहा हूं नहीं विराट कोहली ने सेवेंटी फाइव किया तू कब मारेगा रे भाई कई चक्कर में ऐसा ना हो जाए इसकी चिंता करनी पड़ेगी भाई साहब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं हा? क्या होता है किसी के साथ ये मालूम है मुझे मेरे पांच दोस्त फाइनेंशियली बर्बाद होके तो मर गए तीन कैसे जिंदा है और क्यों जिंदा है वो उनको ही मालूम होगा ऐसा ही होता है परफॉर्मर पेरिश खत्म हो गई बात मुझे तो आश्चर्य लगा केएल राहुल जो तो वाइस कैप्टन आउट परफॉर्मेंस नहीं है परफॉर्मेंस चाहिए पैसे देते हैं ना पैसा फेंको तमाशा देखो खत्म हो गई बात यू गॉट इट आगे चलो आगे चलो अरे अपने आपके एग्रीमेंट में ड्यूटीज भी नहीं डिसाइड की चिंता की बात नहीं है लॉ कहता है मैं तुम्हें तेरह ड्यूटीज बताता हूं उन्हें फॉलो करो चैप्टर नंबर टू में वही तो लॉ में दिया है देखो स्क्रीन पे देखो देखो देखो, देखो स्क्रीन पे है कि नहीं मैंने कहा था ना चौदह राइट्स है हा? और उसके बाद तेरा ड्यूटीज है क्या वही तो बोल रहा हूं तो अपने एग्रीमेंट में नहीं डिसाइड किया चिंता की बात नहीं है शायद आज कुछ स्टूडेंट के लिए सस्पेंस ओपन हुआ होगा कि ऐसे रेशियोज क्यों होते? है थ्री एच टू टू एच टू वन बराबर है जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस है वो ज्यादा ही प्रॉफिट लेगा सही है ना तो इसलिए तो जी एक छोटी सी बात करता हूं एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है ना जो मार्केट में या मॉल में आप परचेस नहीं कर सकते अगर यहाँ का कोई नया क्लास वाला मार्केट में जाता है और कहता है अरे भैया एस एम सर इतना थर्टी एट ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस दो तो क्या ऐसे नहीं वो आपको बिताने पड़ेंगे उतने साल एक्सपीरियंस मिलता नहीं तो इसलिए मेरा डायलॉग और आजकल मैं बोलता हूँ मेरे घर में चोरी हो गई सब कुछ वैल्यूएबल चोरों ने चोरी करके लेके गए ए, अरे साफ किया घर अरे भैया साफ किया घर सर बर्बाद हो गए नहीं, मेरा टीचिंग स्किल मेरा नॉलेज मेरा कम्युनिकेशन स्किल और मेरा एक्सपीरियंस कोई चोरी नहीं कर सकता गुड डायलॉग और नॉट तो ये जो है ना ये इंसान की असली प्रॉपर्टी होती है जो जो आपको लगता है ना हाँ एस एम सर की घड़िया चेन हर रोज नया ब्रेसलेट ये फालतू है ओरिजिनल क्वालिटीज है ना तो ये हर दिन में चार पहन सकता हूँ ओरिजिन वहाँ है इंडियन औरतों का भी एक गलत सहमी है ऑर्नामेंट कशी दृष्टि है मैं खूबसूरत औरत को मेकअप की जरूरत भी नहीं होती गुड डायलॉग और नॉट तो अगर कोई अच्छा पढ़ाने वाला हो नॉलेजेबल हो उसे बाकी की नौटंकी की जरूरत होती जो मैं आज सुबह सुन रहा था हर दिन सुबह पौने ग्यारह बजे यही कल्ला सुनता हूँ ऊपर से और खुद को पूछता हूँ इज इट अ क्लास और वॉट वॉट इज दैट आई डोंट नो जाने दो चला हाँ पार्टनरशिप एट विल की मैं बात करने वाला हूँ एवरी वन रेडी जरा ध्यान से सुन लीजिए पार्टनरशिप एट विल का एक फीचर है क्या है मराठी अगर अच्छा है वैशिष्ट वो फीचर एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है so, क्या फीचर है एनी पार्टनर कैन डिजोल्व पार्टनरशिप एट विल एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन टू अदर पार्टनर तो फीचर भी है ये एडवांटेज भी है और ये लेकिन ये जो नोटिस देनी पड़ती है ना दूसरे पार्टनर को इसके बारे में कुछ रूल्स है आज की डेट क्या है फर्स्ट अप्रैल 2023 अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन पार्टनर सी का दिमाग सटक गया एबीसी तीनों के झगड़े हो गए वो डिसॉल्व करना चाहता है पार्टनरशिप एट विल ही कैन आज नोटिस आज से डिसोल्यूशन अलाउड क्या कहा मैंने आज नोटिस आज से डिसोल्यूशन अलाउड कहते है? अगर वो नोटिस में कहता है टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी अवर फॉर्म स्टैंड डिजॉल्व फ्रॉम थर्टीथ अप्रैल, आज नोटिस फ्यूचर का डेट अलाउड लेकिन आज नोटिस और पास्ट का डेट उड जिसे लॉ में कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विच इफेक्ट बैकडेटेड इफेक्ट नॉट अलाउड सो so, तीन कॉम्बिनेशन बताए आज नोटिस आज से रिजोल्यूशन अलाउड आज नोटिस एक महीने बाद डिजोल्यूशन अलाउड आज नोटिस और बैकडेटेड इफेक्ट से नॉट अलाउड इज इट राइट सो पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिजॉल्व एनी टाइम मेरे पास बराबर चार मिनट है क्या बात है टू मिनट्स ईच एबीसी ने पांच साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाया कितने साल के लिए जरा मेरी एक्शन को देखो एग्रीमेंट में राइट्स डिसाइड किए राइट्स अधिकार ड्यूटीज डिसाइड की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किए पांच साल हो गए लॉ क्या कहेगा इनको चलो फर्म को डिजोल्व करो लेकिन ये को कहते हैं ना ना, ना ना हम बहुत पैसा कमा रहे हैं हमें फॉर्म रिजोल्व नहीं करना है हमारा जम भी रहा है हम दोस्त बन गए लॉ कहते कंटिन्यू करना है पांच साल बाद करो पांच साल बाद अभी आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपका फॉर्म बन जाएगा पार्टनरशिप एटवेल और इंपॉर्टेंट बात अभी बता रहा हूं पहले पांच साल के लिए जो राइट्स जो ड्यूटीज और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने डिसाइड किया था वही कंटिन्यू होगा पांच साल बाद गार्डियन एंड पे कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट के लिए टेम्पररी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया परंस पे तो मेरे दोस्त नहीं है गार्डियन का मालिक मनीष साबड़े साले के पास हेलीकॉप्टर भी है वो मेरा टेनिस का दोस्त है बहुत बढ़िया टेनिस खेलता है तो उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एग्रीमेंट बनाया और जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया वो भी मैं जानता हूं राइट्स ड्यूटीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ दो सौ करोड़ दोनों ने कमाए तो वॉन्ट टू गो अहेड एंड मेक सम एडिशनल प्रोजेक्ट्स इन पार्टनरशिप लॉ कहेगा पहला प्रोजेक्ट हो गया ना चलो फॉर्म को डिसल करो ये कहते नहीं लॉ हमें कंटिन्यू करना है और भी प्रोजेक्ट करने पार्टनरशिप में करो क्या कहेगा लो दूसरे तीसरे चौथे प्रोजेक्ट के लिए आपकी फॉर्म बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल और पहले प्रोजेक्ट के लिए जो राइट्स जो ड्यूटीज और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वही कंटिन्यू होगा फॉर रिमेनिंग अंडरस्टूड ऑल द थ्री टाइप्स तो मंडे मिलूंगा मंडे कुछ नए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ प्लीज एंड प्लीज ऑप्टिमिस्टिकली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज दिया हुआ होमवर्क आज ही कंप्लीट करना है थैंक यू वेरी मच